नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। गुलाबी शहर खूबसूरत, शांत, धार्मिक मान्यताओं से भरा हुआ। जो भी शहर में एक बार आता है इसकी तारीफ करते नहीं थकता। खाने से लेकर यहां की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। खैर, आज हम आपको पिंक सिटी के एक ऐसे मंदिर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ये मंदिर किसी महल से कम नहीं दिखता और अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। खास बात यह है कि मंदिर ज्यादा फेमस इसके कुंड के कारण है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि कौन सा है गुलाबी नगरी का ये खूबसूरत मंदिर और क्या है इसकी धार्मिक मान्यता। जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत अरावली पहाड़ियों में एक भव्य मंदिर है, गलता नाम से मशहूर। मंदिर के साथ कुंड भी है। मान्यताएं तो बहुत सी है, लेकिन सबसे रोचक कहानी है इस मंदिर के नाम की। दरअसल यहाँ गालव नाम के ऋषि ने कई वर्षों तक तप किया था और ये तप पूरे 100 साल किया गया था, यानी कि ऋषि का जीवन इस तपस्या को ही समर्पित हुआ। अब ऐसी कठिन तपस्या देख भगवान भी खुश हुए और उन्होंने वरदान दिया कि इस जगह को हमेशा पवित्र माना जाएगा और पूजा जाएगा। तभी यहाँ मंदिर बनवाया गया और संत गालव के नाम पर इसका नाम गलता जी रखा गया। इस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हजारों बंदर नजर आ जाएंगे मंदिर की दीवार पर, कुंड के आसपास, सभी जगह। वैसे गलता जी में प्रसिद्ध 8 कुंड हैं: यज्ञ कुंड, कर्म कुंड, चौकोर कुंड, जनाना कुंड, बावरी कुंड, केले का कुंड और लाल कुंड। इन सब में सबसे बड़ा और प्रधान मर्दाना कुंड है। देखिए, रहस्यमय चीजें भी आपको यहाँ बहुत मिलेंगी। जैसे मर्दाना कुंड में एक संगमरमर का गौमुख है, यहाँ से लगातार झरना बहता रहता है और आज तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर इस झरने का उद्गम स्रोत कौन सा है। गौमुख से निकली जलधारा को गंगा धारा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गालव मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थी, जो आज भी यहाँ बह रही है। माना जाता है कि इस धारा में स्नान करने से लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गलताजी तीर्थ तपस्वी महात्माओं के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। कहानियों के अनुसार यहाँ कई बार पर्वतों की लुप्त गुफाओं में साधु महात्मा तपस्या करते हुए पाए गए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब गलताजी के मर्दाना कुंड की छटाई और खुदाई हुई थी, तब उस समय कुंड के अंदर एक तिवारा निकला था जिसमें 7 साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन क्षण भर में ही वे विलीन हो गए। वाकई में धन्य है भारत की धरती और धन्य है राजस्थान की धरती, जहाँ गालव जैसे ऋषि ने तपस्या की। राजस्थान में कई और भी रहस्यमय मंदिर हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन अगर आप भी किसी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।